अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक बार माशाल्लाह पेट शॉप के अंदर हम लोग मौजूद है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और आज एक न्यू लॉट आया है मैडम के पास, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे, सारी बातें विस्तार से करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है मैडम का, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी जो इनके पास बच्चे आए उसके रिलेटेड भी अपन बात करेंगे, और न्यू लॉट क्या क्या है अभी, क्या कौन से नस्ल के बच्चे अवेलेबल हैं, वो सारे बच्चे अपन विस्तार से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? बहुत दिन हो गया वीडियो में नहीं आए। हाँ, अच्छा, माल नहीं था स्टॉक में, माल नहीं था स्टॉक ही नहीं था, इसके पहले वाले सब बिक गए। सब बिक गए, वो तो 4 दिन में पूरे खत्म हो गए। अच्छा। 4-5 एक साथ पूरी खत्म हो गई थी। सही है, तो अभी अपने पास में क्या आया नया? अभी ये अपने पास आया 350 RIR है। तो अभी RIR का ही लॉट है ना? अभी RIR का, अभी दूसरा अभी कुछ है नहीं, आएगा तो बताएंगे। सही बात है। तो अभी कितने दिन के बच्चे अपने पास? ये आज अपने पास हो गए 3 दिन। 3 दिन के बच्चे हो गए, बताओ जरा खोल के। तो दोस्तों RIR के बच्चे हैं, आज तीसरा दिन इधर है और वहाँ 1 दिन, मतलब 4 दिन के होंगे। माशाल्लाह क्या मोटे मोटे लगते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। ये देख लीजिए दोस्तों, बच्चे देख लीजिए, आँख में काजल लगी ऐसा लग रहा है इनको, आप काजल या सुरमा लगा के आए बच्चे लोग, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये 4 दिन ओल्ड है। ये देखो, ये कैमरे को मार रहा है, बदमाश है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं लेने का लगता। ये 4 दिन ओल्ड बच्चे दोस्तों RIR के, आप देख सकते हैं बच्चे काफ़ी माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, और इनकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है दोस्तों। ये RIR की खासियत होती है, ये अच्छे हैवी होते हैं, और ये देखो ऐसा भागते हैं, बहुत प्यारा नज़ारा है। अंडे देने की जो मात्रा इनकी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी भी डिटेल अपन पूछेंगे मैडम से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये 4-5 दिन के बच्चे हैं और काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं। इनकी पूरी डिटेल अपन विस्तार से लेते हैं, जैसा कि ये बच्चे देख सकते हैं आप किस तरीके से ओपन में पूरा खेल रहे हैं, और इनका जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, वो एक बहुत बड़ी बात है। ये देख सकते हैं इनको बुलाओ तो कैसा भाग के आते हैं। तो ये कितने 5 दिन के बच्चे हैं ना अपने पास में? 4 से 5 दिन के बच्चे हैं। अच्छा, मैं अगर इनके अंडे देने की बात करूँ, अगर कोई मेरा किसान भाई इसको पालना चाहता है अंडे के पर्पज से, तो इसके अंडे देने की जो क्षमता होती है साल में कितनी होती है? ये साल में मतलब 365 दिन में से ये 280 दिन तो अंडे देती है। जब अंडे चालू हो जाते हैं, हाँ। 4-5 महीने के बाद, तो कम से कम पूरे साल भर में 280-290 ऐसे अंडे देती है। तो अंडे, किसी को अंडे खाने के लिए भी अगर पर्पज से लेना तो भी बहुत अच्छी है, ये सही बात है। और इनका बॉडी वेट की अगर मैं बात करूं तो बॉडी वेट कितना होता है इनका? इनका वजन भी होता है 3 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो तक के जाता है, अच्छी गाय हो जाती है। अच्छा, और 4 किलो तक भी चला जाता है। अच्छा अच्छा, ये देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो 4-3 किलो भाग भाग प्यारा लगता है, मेले वो लगता है, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। कोई टुनटुन है एकदम दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें जो मेल होता है वो 4-4.5 किलो, फीमेल जाती 3-3.5 किलो की जाती है। आपको मिक्स बच्चे मिलेंगे, ठीक है, इतने छोटे में मेल फीमेल समझना थोड़ा मुश्किल रहता है ना, इतने छोटे में मेल फीमेल थोड़ा, हाँ। तो जो भी आपकी नसीब, ज़्यादा काम, ये देखो दोस्तों ये लाइट बंद हुई है, ये टेम्परेचर घड़ी है, ये टेम्परेचर मशीन, अभी मैं इसमें लाइट चालू करवाया था थोड़ा सा पावर बढ़ा के, ये देखो मैंने चालू करवा दिया लाइट, बाद में कम कर देंगे। तो ये टेम्परेचर किस तरीके से बोर्डिंग करना है, बोर्डिंग का सेटअप पूरा लगा हुआ है इनके पास में। तो ये अपने को क्या भाव से देना है मैडम? ये अभी एक बच्चा मतलब अपने को 50 रुपये के भाव से देना है। 50 रुपये के भाव से देना है एक बच्चा। अब ये इसका भाव 4-5 दिन रहेगा। अच्छा, 4-5 दिन रहेगा। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है कुछ 6 तारीख है, तो अपन 10 तारीख का टाइम देते हैं। 6-7 तारीख चलेगा? हाँ, 5 के ऊपर ही 6 ही है। 10 तारीख तक का टाइम देते हैं, 7 हो गई, चलो 10 तारीख तक का ये रेट रहेगा, 50 रुपये एक बच्चे का, 5 दिन के बच्चे हैं, 50 रुपये रेट है। और अगर 10 तारीख के बाद अगर कोई लेगा तो फिर कितने का होगा? 10 तारीख 5-5 दिन में 10 रुपये बढ़ेगा ना, क्योंकि ये बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि ये तो लाइट लगी हुई है और इनके खाने का फीड का खर्चा है और दुकान का भाड़ा है,
है ना। तो दूसरी बात कैसे है, और अपन अभी बॉम्बे सिटी में, बॉम्बे में इतनी बड़ी गाला लेना और इतना लाइट का बिल भरना ये बहुत बड़ी बात है, कि गांव खड़ा नहीं है, कैसा भी कांटा मार के अपन चला लेंगे, सब लीगलाइज काम होता है इधर पे। तो इनको तो रूम में ही रखना पड़ता है, सिर्फ मैदान नहीं है जो अपन छोड़ दे रहे हैं, पल रहे हैं। यहाँ पे लाइट भी लगती है, इनका टेम्परेचर भी लगना पड़ता है, बहुत से लोग पूछते हैं टेम्परेचर, हमको बहुत जरूरी रहता है, बहुत जरूरी है। वही मेन जो 15 दिन तक रहता है टेम्परेचर, जिसमें से 5 दिन तो आपने करके दे दिया है ना। अगर चलो मेरा भाई कोई किसान भाई बोलता है आपको मैडम कि आप 15 दिन के बाद हमको ये बच्चे दो, और अभी मैं खरीदता हूँ, तो 15 दिन के बाद अगर आप बच्चे दोगे तो क्या रेट में दोगे? रेट में जो 15 दिन के बाद लगेंगे वही देंगे, 70 रुपया। 70 रुपया 15 दिन के बाद, क्योंकि उसका पूरा वो अभी 70 रुपया देना पड़ेगा आपको, फिर मैं 15 दिन में आपको बच्चे देंगे। हाँ, तो आप उसके बाद मुझे दोगे? नहीं समझ गया, पैसा अभी जमा करो तो आपको वो टाइम पे देंगे, और अगर किसी को बोर्डिंग करने आती है तो वो अभी लेके चले जावे, ऐसा कुछ है ना। और 350 बच्चे का लॉट अपने पास में अभी है। हाँ, अभी देखते हैं कितना जल्दी खपता है, लोग कितना ले लेते हैं, क्योंकि लोगों ने 100-200 बच्चे भी लिए आपसे ना एक साथ। सही बात है। तो अपना ये लोकेशन कहाँ पर है? ये लोकेशन अपना बॉम्बे में गोवंडी है, इंडियन अरमाडा है, फ्री चौकी के बाजू में, 2 नंबर बिल्डिंग है, और 110 नंबर गाला है, 2A बिल्डिंग, अलग सा टेलर के बाजू वाला रास्ता है हमारा। हाँ, तो आप उधर से आ सकते हैं दोस्तों। एक मैं रोड का भी वीडियो आपको दे दूंगा लोकेशन के लिए, ताकि आपको आने में आराम होगा। और टाइमिंग क्या रहेगा अपना मिलने का? टाइमिंग ज्यादा तो अच्छा रहेगा कि आप 10 बजे के बाद ही मुझे कॉल करें, सुबह में और रात में, जो है बहुत जल्दी जल्दी हो जाए तो बेहतर रहेगा। 10 के पहले 10 भी मत तो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। 9 के पहले आप कॉल करके बात कर लो, नहीं तो दूसरे दिन सुबह कॉल करो। आने वाले भाइयों के लिए ये है कि थोड़ा जल्दी जल्दी दिन में आ जाए तो बेहतर, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। मुझे और कॉल करके आए, कॉल करके आइए और दिन में जल्दी आइए ठीक। और अपना खासकर वापिस से रिपीट करते हैं कि ये बॉम्बे में नहीं तो बहुत परेशान करते ना, बहुत परेशान करते। भाभी कहाँ से बोल रहे हो, बाजी कहाँ से बोल रहे हो, आंटी कहाँ से बोल रहे हो, सब चालू हो जाता है, इसलिए खासकर बार बार रिपीट करते हैं कि अपना बॉम्बे में है। बराबर, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद परेशान रहता हूँ लोगों को बताते कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। और ये अपने पास बड़े सोनाली के भी बच्चे ना कुछ? हाँ, ये सोनाली के है ना, ये भी देने का है ना अपने को। ठीक है, इसका वीडियो अपन अलग एक कर लेंगे। हाँ, अलग ले लेंगे। अच्छा, कड़कनाथ के कुछ बच्चे माल है नहीं कड़कनाथ अभी? सही बात है। तो ये बड़े बच्चे है ना अपने? हाँ, ये बड़े बच्चे। इनकी क्या डिटेल है? ये अभी 2 महीने के हो रहे हैं। 2 महीने के हो गए। क्या पैसा मांग रहे हैं इनका? इनका तो अभी 250 रुपया, जो पूरा लेंगे तो कम कर देंगे। अच्छा, पूरा लेंगे तो कम करेंगे, बाकी 250 रुपया पर पीस है, मेल फीमेल जो भी है तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 5 बच्चे कड़कनाथ के आए, किसी को चाहिए रहेगा तो कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके अलावा बाकी अपने RRI के बच्चे ये देख सकते हैं आप, ये सब मौजूद है। एक बार मोबाइल नंबर दे दो मैडम। मेरा मोबाइल नंबर है 9594557036। ये नंबर व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं है ना? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, मुंबई में ज्यादा दूर का, जैसे एक्चुअली ज्यादा जा रहे हैं मतलब सफर है, तो उनको बेहतर है कि आप बार बार ये जान लीजिए कि अगर कुछ थोड़ा मरते हैं में, हाँ, तो वो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, क्योंकि हमको भी ऐसे हो जाता है। सही, माल आता है तो मरता है, तो आप लोगों को क्या भर के मिलता है? आप भी एडजस्ट कीजिए तो हम भी एडजस्ट कर लेंगे। और दूसरा कैसा है कि अगर जो ज्यादा लंबा सफर वाला है, उनको ये कि ट्रांसपोर्ट का पैसा लगता है वो तो पूछते हैं, सब करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए लोग परेशान, अलग से पैसा लगता है, ट्रांसपोर्ट का पैसा अलग लगता है और थोड़ा ज्यादा लगता है। सही, और रास्ते में अगर मरे कुछ मॉडलिटी तो आप भरपाई दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, उसमें तो नहीं है, नहीं देगा भरपाई। तो जो भी यहाँ पर जब पैक करोगे तो वीडियो बना के दे देंगे। हाँ, ये है कि वीडियो आपको बता के जिंदा बच्चे सब हम डाल रहे हैं, पैक कर अच्छे से उनका खाना वाना सब डाल के, क्योंकि इतना दूर अगर आप भेजना है और 5-10 रुपए धंधा करना है, फिर मोटरलिटी का लेंगे तो अपने को क्या बचेगा ना, यही ना तुम्हारा कहने का मतलब? वही है, पब्लिक बोलेंगे आरिफ भाई तुम बोल रहे हो। नहीं, वो तो सही बात है, आरिफ भाई को सब रियल पता है, रियल मालूम है मेरे को पूरी हिस्ट्री क्या है ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने देखे और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर इनका स्क्रीन पे आपको मैं दे दूंगा, एक बार मोबाइल नंबर भी बोल दो। मेरा मोबाइल नंबर 9594557036। ये व्हाट्सएप नंबर? हाँ, व्हाट्सएप नंबर, इधर हमारे नंबर है, अगर अच्छा दोस्तों ये देख सकते हैं, दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक नंबर पे, ऊपर वाला, हाँ नीचे वाला बंद पड़ा है, इस पे मत करना कांटेक्ट, ऊपर वाले पे करते रहना आप। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर देगा। सुबह अल्लाह हाफिज़।